तो आप देखिए कंप्लीटली 5 एम्पियर ही आपको ये दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो डीसी से एम्पियर आ रहा है वो बराबर है, सिरे ग्राउंड पे किया हुआ है और दूसरा सिरे को मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ तो यहाँ पर आ रहा है 567, जो कि बिल्कुल सही है। अब मैं इसको रिवर्स मोड में चेक करूँगा कि सीन को यहाँ पर आप देखिए मैंने रखा हुआ है 300 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पर, और तो मैं देखता हूँ कि मेरी SMD का टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं। तो फ्रिक्वेंसी चेक करने के लिए आपको यहाँ पर दी हुई है ऑप्शंस। ये पहले आप देखिए कि यहाँ पर आपको ओम्स कैपेसिटर डायोड और साइन लिखा हुआ है और ये एक बैंड प्रूफ से आप देखो ये बैंड है, मतलब यहाँ एम्पियर ये चेक कर सकता है। तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से समझिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप ये पूरा समझ गए तो भाई मेरे क्या बोलूँगा कि मतलब बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमको बहुत अच्छा फील होता है अगर आप हमें लाइक करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको रिकमेंड करेंगे देखने के लिए। सो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में कमाल का एक मल्टीमीटर मैं फिर से लेकर आया हूँ और दोस्तों ये वीडियो की सीरीज़ देखते रहना क्योंकि अभी मैं बहुत सारे मल्टीमीटर्स बताने वाला हूँ, इसका कंप्लीट फंक्शन कैसे काम करता है, कौन कौन सा आप प्रोब कहाँ लगाएं या किस किस चीज़ को चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ प्रैक्टिकली इस वीडियो में समझाऊंगा। ये मल्टीमीटर लेना वर्थ है कि वर्थ से, तो ये सारी चीज़ बताऊंगा और मैं पर्सनल कौन सा मल्टीमीटर यूज़ करता हूँ उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में नजर आएंगी। तो ये है अभी हमारा इस मल्टीमीटर को लेकर वीडियो। सो इस मल्टीमीटर के बारे में अगर आपकी राय है कि आपको खरीदना चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए, और अगर आप एक मल्टीमीटर खरीद रहे हो तो भाई ये ही खरीद लेना क्योंकि इससे बहुत कुछ चेक किया जा सकता है। और इस मल्टीमीटर से और जो पुराना एक मल्टीमीटर पे एक वीडियो बनाया था तो उसका कुछ डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मैं अभी सोच रहा हूँ कि इस मल्टीमीटर पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूँ, फिर सारे मल्टीमीटर के सामने रख के बताऊंगा कौन सा बेस्ट है। तो चलो इस मल्टीमीटर को देखते हैं, पहले इसकी बॉक्स पे देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या ये आपको ऑफर कर रहा है, फिर इसको खोलेंगे और फिर इसको अच्छी तरीके से इसको हम रिव्यू करेंगे और फिर उसके बाद में हम इसे एक लाइव प्रैक्टिकल भी चेक करेंगे, कंपोनेंट हो गए और क्या क्या जो ये चेक कर सकता है। ये मल्टीमीटर टेम्परेचर भी चेक कर लेता है, तो भाई मेरे टेम्परेचर कैसे चेक करते हैं और एम्पियर कैसे चेक करते हैं, अगर ये भी पता करना है तो इस वीडियो को पूरा देखना। सो इस मल्टीमीटर को आप देखेंगे ये सनसाइन का मल्टीमीटर है, मॉडल नंबर है DT17N और इस मल्टीमीटर में बहुत सारी चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे चाइनीज़ और इंग्लिश में। और यहाँ पर आप देखेंगे तो मल्टीमीटर्स में आपको बहुत सारे निशान्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो जैसे यहाँ पे हम DC, यहाँ पर AC वोल्टेज, यहाँ पे DC एम्पियर, यहाँ पे AC एम्पियर, ये बजर, ये हमारा कैपेसिटर और इस तरह से ट्रांजिस्टर, हमारा डायोड मोड और बहुत सारे मोड यहाँ पे है। हम टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं, बैटरी भी चेक कर सकते हैं, ओम्स मोड भी दिया हुआ है, सब तरह के यहाँ पे मोड हैं। यहाँ पर आपको देखेंगे AC में 700 वोल्ट आप चेक कर सकते हैं, DC में 1000 वोल्ट चेक कर सकते हैं और करंट आप AC 10 एम्पियर और DC 10 एम्पियर आप चेक कर सकते हैं। यह मल्टीमीटर सनसाइन का एक ब्रांडेड मल्टीमीटर है और ओरिजिनल यहाँ पर है और ये कॉपी इसकी ये कहते हैं कि इन्होंने बनाए नहीं है पर कॉपी तो सबकी आ जाती है। तो इस पैकेज में आपको क्या क्या मिलने वाला है, LCD डिस्प्ले, एक मल्टीमीटर, टेम्परेचर टेस्ट के साथ और जहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं 1, 2, 3, 4 नंबर के साथ में बताया जा रहा है। ये नोब्स हैं, ये इंडक्शन आपके इलेक्ट्रो प्रूव हैं और ये है पैन सॉकेट। और दोस्तों यहाँ पर अगर पीछे की इंफॉर्मेशन की बात करूँ मैं तो पीछे की इंफॉर्मेशन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे DC वोल्टेज का बता रहा है कितना कितना एम्पियर ये चेक कर सकता है। तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से समझिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप ये पूरा समझ गए तो भाई मेरे क्या बोलूँगा कि मतलब बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, किसी मोबाइल बनाने से और लैपटॉप बनाने से किसी को पढ़ा भी सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप DC वोल्टेज 600 मिली वोल्ट से लेकर 1000 वोल्ट चेक कर सकते हैं, वेरियंस यहाँ पर प्लस माइनस 0.5% दिया हुआ है, मतलब इतना वेरिएंस ये बता सकते हैं कि मल्टीमीटर चेक करने के टाइम पे आपको मिल सकता है। AC वोल्टेज और DC वोल्टेज, अल्टरनेट करंट, कैपेसिटेंस, फ्रिक्वेंसी, दोस्तों ये मल्टीमीटर आपकी फ्रिक्वेंसी भी चेक करेगा, मतलब आप ये मान के चलिए अगर आपको फ्रिक्वेंसी चेक करना है तो ये आपकी फ्रिक्वेंसी चेक करेगा 10, 100, 1 kHz, 10 kHz या 10 kHz और 1 MHz या 20 MHz तक ये फ्रिक्वेंसी आपकी चेक कर देगा। उसके बाद ये रेजिस्टेंस की बात करेंगे, ये आपके रेजिस्टेंस चेक करेगा दोस्तों, यहाँ पर 60 MΩ तक ये आपके रेजिस्टेंस को चेक करेगा जिस तरीके इस मल्टीमीटर ने बताया है। और टेम्परेचर की बात करेंगे तो ये 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आपका चेक करके आपको बताएगा।
तो ये सनसाइन का है। और अगर कंपनी की बात करेंगे तो हांगकांग सनसाइन इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी है, जो कि एक हांगकांग की कंपनी है और ये है चाइना में। तो चलो इस मल्टीमीटर को खोलते हैं और देखते हैं कि इस मल्टीमीटर के अंदर क्या क्या है। हालांकि मैं इस मल्टीमीटर को पूरा खोल चुका हूं, तो इसके अंदर आपको रैपिंग में नहीं मिलेगा सब कुछ। तो मैं बता दूं कि इसके अंदर आपको आपको आपका ये डिवाइस मल्टीमीटर, तो इस डिवाइस को रख लेते हैं इधर। और इसमें आपको मिलेंगे ये प्रूफ्स। प्रूफ्स की क्वालिटी मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। अभी के मल्टीमीटर में जो प्रूफ्स मिल रहे हैं वो इस तरह के प्रूफ्स मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर रेड और ब्लैक का साइन दिया हुआ है, और ये रेड कब कब कहाँ कहाँ लगाना है इस वीडियो में मैं पूरा बताऊँगा। फिलहाल मैं एक जगह रेड लगा देता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये पहले दो स्टेप में जाता है, पहला स्टेप इतना, उसके बाद फिर इतना, ताकि आप बहुत ज़्यादा भी खींचेंगे ना तो ये प्रोब निकलेंगे नहीं, क्योंकि अधिकतर मल्टीमीटर में प्रोब ढीले होने की वजह से समस्या ये जाती है कि वो वर्क करते नहीं हैं। और ग्राउंड को हम कॉमन पे लगा देंगे। ये देखिए ये आपका सेट हो गया है, और वायर काफ़ी अच्छा है, लेंथी वायर है, जितना एक काम करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है उतना है, और क्वालिटी वायर है। आप देखेंगे कि प्रोब्स के ऊपर भी यहाँ पे सनसाइन लिखा हुआ है, और ये एक बैंड प्रोब्स है। आप देखो ये बैंड है, मतलब यहाँ पर आप नॉर्मली प्रोब्स ऐसे बैंड नहीं होते हैं मल्टीमीटर के, और अलग आपके स्ट्रेट होते हैं। ये बैंड है जो कि चेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एक बेटर मिल जाती है चीज़ें यहाँ से, और क्वालिटी तो आप देख ही सकते हैं काफ़ी अच्छी है और एवन है। तो चलिए कोई नहीं, हम इसको चेक करेंगे। और देखिए मेरे भाई कि क्या क्या इसके साथ मिल जाता है। तो एक मैनुअल डिवाइस, अभी आप ऑपरेट कैसे करते हैं ये मिल जाएगा, मैनुअल बुकलेट आप बोल सकते हैं इसको, ऑपरेशन गाइड। तो उसके अलावा आपको मिलेगा टेम्परेचर नापने के लिए, ये अलग से एक प्रोब मिलेगा, तो आप इससे टेम्परेचर भी नाप सकते हैं। तो मैं सारी चीज़ आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, ताकि आपको वीडियो में पूरी कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन, तो क्योंकि वीडियो में कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन मिले और आपको भी पता चले कि इसे टेलीकॉम में पढ़ने आने के बाद भैया डीपली लेवल पे सिखाया जाता है, और वो लेवल अगर मैंने यहाँ पर इतना पाया तो क्लास आने पर क्या मिलेगा, वो एक अलग लेवल पर आप चले जाएंगे, खैर वो की सोच से ऊपर आपको मिलेगा। तो ये प्रोब्स है टेम्परेचर चेक करने के लिए, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले मल्टीमीटर की बात करते हैं दोस्तों। ये मल्टीमीटर है, सनसाइन का ब्रांडिंग ऊपर दिया हुआ है, DT17N यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। डिजिटल मल्टीमीटर है क्योंकि यहाँ पर डिजिट आपको दिख रहे होंगे। अगर मैं लाइटिंग की बात करूँ यहाँ पर देखिए, तो देखिए इसका डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है दोस्तों, लाइटिंग के हिसाब से इसका लाइट भी काफ़ी ब्राइट है, और डिस्प्ले बड़ा होने की वजह से हमें दूर से भी दिख जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं डिस्प्ले में आपको दिखाऊँ तो आपको किस किस का आपको यहाँ पर सिंबल देखने को मिल रहा है। तो देखिए अभी मैंने ये डायोड मोड पे है, और यहाँ पर वोल्ट का सिंबल बता रहा है, अभी ये होल्ड मोड पे है, और अभी यहाँ पे होल्ड मोड हट गया। तो डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है, पर इसमें एक डिसएडवांटेज ये ही है कि इसकी जो लाइट है वो आपकी कुछ सेकंड बाद बंद हो जाती है। 15 सेकंड तक का इसका है, मतलब ये करेंटली होल्ड पे नहीं रहती है। जैसे देखिए अब मैं इसको दबाता हूँ, कुछ सेकंड बाद ये देखिए, नॉर्मली मल्टीमीटर में यहाँ पर 2 बार बटन दबाने पर ये लाइट होल्ड हो जाती है, पर वो भी कुछ मतलब सेकंड बढ़ जाते हैं, ड्यूरेशन बढ़ जाता है, पर ठीक है कोई नहीं, जितने होल्ड के लिए ये लाइट मिलती है उतने होल्ड पे भी ये काफ़ी अच्छी बात है। तो इस मल्टीमीटर में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोब से चालू करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे प्रोब्स में अगर आप जाएंगे, देखिए आपको पहले जूम करता हूँ, अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर आपको ओम्स कैपेसिटर डायोड और बीप मोड बजर मोड, आपको 4 मोड यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। अगर सपोज मुझे ये 4 मोड यूज़ करना है तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, तो ये भी मैं आपको शो करता हूँ। तो सबसे पहले आप अगर आपको ये मोड यूज़ करना है तो आपको यहाँ पर जैसे मैंने ये प्रोब को यहाँ रखा, तो आप देखिए यहाँ पर है ना एम लिखा हुआ है रेजिस्टेंस, मतलब ये ओम्स मोड में है। अब मैं इसको चेंज करूँगा तो सेलेक्ट पर दबाने पर चेंज हो जाता है, अब ये बजर मोड पे है। अब मैं इसको चेंज कर, बजर मोड का एक बार बीप सुनाई सुनवाते हैं आपको, ये देखिए बजर भी काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आपको इसको चेंज करूँ तो आप देखिए डायोड मोड पे चला गया, ओएल
ये डीसी वो डीसी डायोड मोड पे चला गया, यहाँ पे वोल्ट ऑलरेडी सेट हो गया है फिर से, और इसको चेक करूँगा तो ये कैपेसिटर मोड पे चला गया, फेराड कैपेसिटर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है ये रेंज दिया हुआ है दोस्तों, तो आप यहाँ पर इसको रेंज भी आप इसको सेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अगर और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये मेरा ये चारों सेटिंग यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद में दूसरी सेटिंग दोस्तों ये है, ये टेम्परेचर के है, इसे आप टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, सो देखिए जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो ये डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बता रहा है, ये फ़ारेनहाइट ये आपको बताएगा, तो ये टेम्परेचर, तो हम डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखिए, तो अभी यहाँ पर जो टेम्परेचर है यहाँ पर अभी ये ऑटो टेम्परेचर बता रहा है, बट हम इसको टेम्परेचर को टेस्ट करेंगे कि ये टेम्परेचर हमारा सही बताता है कि नहीं बताता है। उसके बाद में अच्छा एक टेम्परेचर को चेक करने के लिए हमारा कौन सा प्रोब कहाँ लगना चाहिए मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, पहले मैं आपको इन सब के इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। उसके बाद में ये डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए है, उसके बाद ये हर्ट्स, तो अगर मैं बात करूँ ये एसी वोल्टेज चेक करने के लिए है, हर्ट्स लिखा हुआ है पर हर्ट्स को चेक करने के लिए ही है, फ्रिक्वेंसी चेक करने के लिए आपको ये अलग से यहाँ पर प्रोब दे दिया है एक आपको यहाँ पर, तो फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए आपको यहाँ पर दी हुई है ऑप्शंस, ये यहाँ पर एसी एम्पियर मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर, तो देखिए एम्पियर तक का माइक्रो एम्पियर तक यहाँ पर डाल दिया है, और ये एनसीबी है जिससे आप करंट नोटिस कर सकते हैं अगर किसी तार में करंट का प्रभाव है कि नहीं है। जैसे अभी देखिए, अभी देखिए ये करंट आना बंद हो गया है, अब जैसे मैं इसको लाइट के पास ले जाऊँगा तो इसका मतलब है कि अभी मेरी लाइट के अंदर करंट बह रहा है। अब देखिए लाइट लाइट आना, देखिए बजना बंद हो गया, अब बाजू में फिर से रखूँगा, तो ये डिवाइस काफ़ी अच्छा है, और ये हालांकि हर मल्टीमीटर में पाया जाता है। अभी आने वाले यहाँ पे हम बात करेंगे डीसी वोल्टेज, यहाँ पे हम बात करेंगे एसी वोल्टेज, और यहाँ से ये ऑफ हो जाता है। तो चलिए दोस्तों इतना तो आपको यहाँ पर पता चल गया है। अब ऊपर अगर मैं यहाँ के प्रूफ्स बताऊँ तो अगर आपको वोल्टेज ओम्स हर्ट्ज डायोड मोड कैपेसिटर या टेम्परेचर सेट करना है तो रेड वाला आपको यहाँ रखना पड़ेगा और ये कॉमन पे रखना पड़ेगा। अगर आपको खाली चेक करना है मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर तो ये प्रूफ उठा के यहाँ रखना पड़ेगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं 10 एम्पियर तो ये प्रूफ उठा के यहाँ रखना पड़ेगा। सो बट अब जब अगर टेम्परेचर यूज़ करना चाहते हैं, टेम्परेचर आप मान लीजिए चेक करना चाहते हैं, तब आपको ये प्रूफ निकालना होगा इसका, और इसके साथ जो दूसरा प्रूफ आया है वो प्रूफ आपको यूज़ करना होगा। ये देखिए ये वाले प्रूफ, और इन प्रोब को आपको यहाँ इसको इधर और इसको इधर यहाँ पर आपको लगाना होगा, आप देख सकते हैं। तो अब देखिए मैं टेम्परेचर को चेक करके दिखाता हूँ यहाँ पर। सो आप देखेंगे टेम्परेचर को चेक करने के लिए मैं अपनी मशीन को यहाँ पर आप देखिए मैंने रखा हुआ है 300 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पर, और तो मैं देखता हूँ कि मेरी SMD का टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं। तो देखिए ये 280 अप्रॉक्स पास में है, 293 अप्रॉक्स 300, देखिए तो ये 300 आ गई है, तो ये 300 पर है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो SMD का टेम्परेचर है वो लगभग 300 के पास में है, तो इससे हम टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा कि मैंने टेम्परेचर को चेक किया है। अब तो ये प्रोब इसके साथ में आती है और इसी प्रोब्स के साथ में ये होगा दोस्तों, इसके अलावा दूसरी प्रोब लगाएंगे तो ये टेम्परेचर चेक नहीं होगा। अब मैं वापस यहाँ पर इसको लगा देता हूँ, तो अब इस मल्टीमीटर से हम वोल्टेज डीसी भी चेक कर सकते हैं, एक रजिस्टर भी चेक कर सकते हैं। तो आइए इससे एक रजिस्टर चेक करते हैं कि रजिस्टर का जो मान है वो जैसे अगर कोई 10 ओम्स का है तो वो वाकई में 10 ओम्स बताता है या उसके ऊपर नीचे ये इसको मान को दिखाएगा। तो मैं इसको रेजिस्टेंस मोड में कर देता हूँ, और रेजिस्टेंस मोड में आप देखिए ये यहाँ पर मैं रेंज को सिलेक्ट कर सकता हूँ रेजिस्टेंस मोड के बाद में, तो देखिए रेंज यहाँ पर सिलेक्ट हो जाती है, तो ये मेगा हो गया, तो इस तरह से ये ओम्स कैटेगरी में हो गया, ये किलो कैटेगरी में हो गया। तो फिलहाल मैंने रेंज जो सेट की है वो मैंने अभी फ़िलहाल नॉर्मल ओम्स मोड सिलेक्ट की है, तो आइए मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। तो इसका डायोड टेस्टिंग के लिए हम इसको डायोड टेस्ट पर डालेंगे, तो देखिए हमने डायोड टेस्ट पर डाला हुआ है मल्टीमीटर को, हम इसकी लाइट को भी बढ़ा देते हैं
और अब हम इसको कूल टेस्टिंग करते हैं। तो आप देखेंगे इसकी कूल टेस्टिंग पे, तो यहाँ पर ये हमारा माइन अभी डायोड टेस्टिंग पे है, तो ये हमारा ग्राउंड है। आप देख सकते हैं हमारा ग्राउंड आ रहा है बिल्कुल 0 0 0 विदाउट कोई रेजिस्टेंस के साथ में। ये बहुत माइनर है जो कि हम बिल्कुल इसको कंसिडर समझ सकते हैं। और अगर अब हम यहाँ पर डायोड का हम बी बैट का रीडिंग लें, तो बी बैट का रीडिंग आप देखिए, मैंने एक सिरे ग्राउंड पे किया हुआ है और दूसरा सिरे को मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आ रहा है 567, जो कि बिल्कुल सही है। अब मैं इसको रिवर्स मोड में चेक करूँगा कि इस फ़ोन में कोई शॉर्टिंग तो नहीं है किसी प्रकार का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तो ये अप्रॉक्स 1000 के ऊपर है, तो इसका मतलब इस फ़ोन में किसी प्रकार की शॉर्टिंग नहीं है। तो ये एक डेमो पीसीबी है जिसमें मैं चेक करके आपको बता रहा हूँ। अब मैं चेक करूँगा ओम्स मोड, तो आप देखिए ये मेरा ओम्स मोड में है और मैं रेंज रखता हूँ ओम्स, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है। आप देखिए 548 ओम्स का ये रजिस्टर यहाँ पे बता रहा है। अगर मैं इसकी रेंज बढ़ाऊँ और रेंज बढ़ाकर देखिए, मैंने इसको किलो ओम्स में मैं करता हूँ, तो किलो ओम्स में है, तो यहाँ पर है 1.2, तो ये इसकी सही वैल्यू है, 1.2K का ये रजिस्टर है। तो और कॉइल को हम इसको बजर मोड पे हम चेक करेंगे कॉइल को, तो इसका बजर मोड में यूज़ करूँगा कॉइल का। तो चलिए इसकी कॉइल चेक करते हैं। देखिए कॉइल यहाँ लगी हुई है, तो देखिए, तो ये अब इसको हम एक ओम्स मोड में चेक करेंगे कॉइल को, तो ओम्स मोड में हम चेक करेंगे कॉइल को, नॉर्मल ओम्स मोड में हम लेंगे पहले इसको और उसको कॉइल को चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर तो 0.5 जो कि एक कॉइल का सही रेजिस्टेंस है। सो ये यहाँ पर ये मैं इस मीटर से एम्पियर शो करूँ, तो देखिए, तो मैं डीसी मशीन की वायर ले लेता हूँ और उसको 5 एम्पियर में सेट करता हूँ और चेक करूँगा कि मेरे डीसी मशीन में 5 एम्पियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप देखिए मैंने अपनी डीसी मशीन को 5 एम्पियर में सेट करके रखा हुआ है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर 5 एम्पियर। अब इस मल्टीमीटर में देखते हैं कि हमारे को 5 एम्पियर ये शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस मल्टीमीटर में कैसे चेक करें, तो हम अपना इस प्रोब को निकाल के 10 एम्पियर में रख देंगे और उसको हम एम्पियर में रख देंगे डीसी। अब आप देखिए, अब हम इसको चेक करेंगे प्लस के साथ प्लस, और माइनस के साथ माइनस। तो आप देखिए कंप्लीटली 5 एम्पियर ही आपको ये दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो डीसी से एम्पियर आ रहा है वो बराबर है, कम नहीं है, फेक एम्पियर नहीं है। तो ऐसे हम इससे एम्पियर भी चेक कर सकते हैं। और दोस्तों इससे हर्ट्स कैसे चेक करें, तो मैं आपको ये हर्ट्स चेक करना बाकायदा ये क्लास में बताऊंगा। एक पॉइंट मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि और कुछ आपके नेक्स्ट वीडियो के लिए और कमेंट के लिए अगर आप मुझे पूछेंगे कि हर्ट्स कैसे चेक करते हैं, तो मैं इस पर भी वीडियो डाल दूंगा। पर मुझे आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा। दोस्तों इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमको बहुत अच्छा फील होता है अगर आप हमें लाइक करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको रिकमेंड करेंगे देखने के लिए। और क्योंकि हमको भी लगता है कि हमारे चैनल पे व्यू आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, तो हमारे को और नए नए वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो जो कि हो सकता है घर बैठे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा दे जाए। सो कैसा लगा ये वीडियो बताएगा जरूर। मैंने आज कम्प्लीटली बताया है इस मल्टीमीटर के बारे में, तो मैंने आज कम्प्लीटली बताया इस मल्टीमीटर के बारे में, ये मल्टीमीटर आपके लिए बेस्ट है या नहीं है ये आपको पता करना है। और इसके बाद में एक मल्टीमीटर और वीडियो लाऊंगा जो कि मैं पर्सनल यूज़ करता हूँ। उस मल्टीमीटर को करीबन 2 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ उस मल्टीमीटर पे, और वो आज तक ख़राब नहीं हुआ है मैं सच बताऊँ। और उसको विदाउट सेल में यूज़ करता हूँ, तो वो भी कैसे, वो सारी चीज़ मैं आपको वीडियो के एंड में अगर नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वो सारी चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उसके लिए तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेट, कीप हार्ड वर्किंग। थैंक यू वेरी मच।
4G CPU से लेके आपने लास्ट डे क्या करके गए बताइए? डबल डेकर सर, डबल डेकर किया आपने। बैकअप के स्टूडेंट भी आपके साथ में आए थे, तो कि तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए आप? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर CPU को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिबोल भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया सर? डुअल टेकर सीपीयू, डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया, लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए सर? डबल टेकर किया लास्ट में, डुअल टेकर किया ना आपने, लास्ट डे क्या किया? डबल डबल टेकर सीपीयू करके गए। चाहता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल डेकर सीपीयू, डबल टेकर सीपीयू। और इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है?